हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे H2SO4 के भौतिक गुण। ठीक है, नंबर एक लिखिए, कैसा होता है देखा रहो ना आप लोगों ने। ये नंबर एक, या रंगहीन, या रंगहीन, गाढ़ा, चाशनी। गाढ़ा चाशनी, चाहे जानते हो ना, जो जलाव बनाते हैं ना, रसगुल्ले का जलाव, चाशनी बोलते हैं। या रंगहीन, गाढ़ा, चाशनी जैसा द्रव होता है, जैसा द्रव होता है। हो गया, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 10.6 और हिमांक 10.6 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, या प्रबल, नंबर तीन, या प्रबल संक्षारक है, या प्रबल संक्षारक है और त्वचा को जलाकर काला कर देता है, और त्वचा को जलाकर काला कर देता है। ओके, चलिए अगले हेडिंग डालिए, H2SO4 के रासायनिक गुण। H2SO4 के रासायनिक गुण, क्लियर क्लियर है ना। चलिए, नंबर एक, अपघटन। देखिए क्या होता है कि अगर मैं 338 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो H2SO4 का कुछ ही भाग टूटता है 338 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 444 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो सारा का सारा H2SO4 H2O और SO3 में अपघटित हो जाता है। तो लिखिए, अपघटन में 338 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 338 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका कुछ भाग H2O/SO3 में अपघटित हो जाता है। परंतु 444 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है। हो गया, रिएक्शन नोट कर लीजिए। अगला हो गए, अगली एडिंग डालिए, ऑक्सी कारक गुण। ऑक्सी कारक गुण, देखिए ध्यान से, H2SO4 अपघटित हो जाता है, H2O और SO3 टूट जाती है, SO2 और नवजात ऑक्सीजन।
इसी के कारण, मतलब ये एटॉमिक ऑक्सीजन, परमाणविक ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन देता है, इसीलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक है। लिखिए, या अपघटन पर नवजात ऑक्सीजन देता है, इस कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक है। नीचे रिएक्शन नोट कर दीजिए। ऐसे लेना कोई तोड़ के, हो गया। इसके नीचे लिखो नई लाइन से, इसके ऑक्सीकारक गुण निम्न है, इसके ऑक्सीकारक गुण निम्न है। इसके ऑक्सीकारक गुण निम्न है, क्लियर। देखिए क्या बना रहा था, H2O, SO2, नवजात ऑक्सीजन, कार्बन से क्रिया, तो ये बना लेता है CO2। दो है, दो कर दीजिए। यहां पर ये दो है, तो इसको दो करने के लिए इसमें पूरी समीकरण में दो से गुणा करा दीजिए। दो नवजात ऑक्सीजन, दो नवजात ऑक्सीजन, C+2H2SO4, 2H2O, 2SO2+CO2, क्लियर। तो क्या बोलोगे, यह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। चेक कर लो, 0 से +4 हो रही है ऑक्सीकरण संख्या, बढ़ रही है ना। तो यह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। लिख लोगे ना, नंबर दो, ध्यान देखना। दूसरी रिएक्शन, H2O SO2, नवजात ऑक्सीजन, सल्फर, नवजात ऑक्सीजन, SO2, दो है, दो लगा दीजिए। जैसे ये दो होगा, इसे दो करने के लिए पूरी समीकरण में दो से गुणा करानी पड़ेगी, कट जाएगा। क्या बचा, S+2H2SO4=2H2O, 2 और 1 3 SO2, हो गया। तो क्या लिखोगे, यह सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण कर देता है। हिंदी अपने आप लिखना, यह सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण कर देता है, क्लियर। आगे देखिए, अगले H2O SO2, यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या उच्चतम है, तो सभी के उच्चतम वाले बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपने CO2 बनाया, तो CO2 की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या +4 है। उच्चतम हमेशा उच्चतम बनाता है। फास्फोरस की उच्चतम कितनी होती है, +5, ये +5 बनाएगा। P2O5 जल में विलय है, तो ये हो जाता है H3PO4। बता चुका हूं क्या है, ठीक है ना। ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल, बैलेंसिंग पे ध्यान दो।
हो गया, पी टू ओ फाइव, पी टू ओ फाइव पांच और ये दो, ये पांच है पूरी समीकरण में, पांच से गुणा क्या बचा, दो फास्फोरस, पांच एच टू एस ओ फोर, एरो पांच से तीन जाएगा, टू एच टू ओ, फाइव एस ओ टू, टू एच थ्री पी ओ फोर, आर्थोफास्फोरिकम। क्लियर है? तो क्या लिखोगे, या फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर? ओके है ना? और ये सब रिएक्शन है नाइट्रिक अम्ल में करवा चुका हूं। डन है? अगला H2SO4, H2O, SO2, यहां पर अम्ली पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है जो नवजात ऑक्सीजन से करता है। देखो I और SO4, K और SO4, K2SO4, H2 बचा और O बचा H2O, आई बचा के दो है, क्या निकल जाएगा आई टू, इससे ये कैंसिल, टू के आई एक और एक, दो एच टू एसओ फोर, के टू एसओ फोर, एसओ टू, आई टू एक और एक, दो एच टू ओ। ठीक है? यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकरण कर देता है, माइनस एक आयोडीन की जीरो बढ़ रही है, माइनस एक से प्लस में जा रही है, बढ़ रही है। क्लियर? हो गया? अब रेडी डालिए, निर्जली कारक गुण, निर्जली कारक गुण। ठीक है? निर्जली का कारक मतलब क्या होता है, H2O को निकालना, H2O को निकालना। तो H2SO4 जो है बहुत ही अच्छा निर्जली कारक है, जिसमें भी चाहो उसमें से ये पानी निकाल सकता है। ये लिखिए फटाफट, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जल के प्रति विशेष आकर्षण रखता है, H2SO4 जल के प्रति विशेष आकर्षण रखता है, या जल युक्त, या जल युक्त यौगिकों से जल को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और यदि यौगिक में H2O उपस्थित ना हो और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो, और यदि यौगिक में जल उपस्थित ना हो और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो,
तो उससे जल बनाकर अवशोषित कर लेता है। इस कारण यह प्रबल निर्जली कारक पदार्थ है। इसके निर्जली कारक गुण निम्न है। इसके निर्जली कारक गुण निम्न है। ये ऑक्सैलिक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल क्या निकल गया? H2O। ठीक है ना, निकल गया। क्या क्या बचा? CO और CO2। तो ये CO, ये CO2 बचा। या ऑक्सैलिक अम्ल को CO2, CO और H2O में कर देता है। ठीक है, नंबर दो देखिए। HCOOH H2SO4 सांद्र लिया जाता है। सांद्र HOH H2O क्या बचा? CO। नंबर तीन C12H22O11 वीडियो में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। चीनी है और ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछता भी है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में चीनी काली क्यों पड़ जाती है। तो H2O, कितने H2O निकाल सकते हो? 22 H है, 11 O है, तो 11 H2O निकाल दो, 12 कार्बन बचेगा। ये देखिए कोक बन गया, कार्बन बन गया, इसलिए चीनी काली पड़ जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में चीनी काली क्यों हो जाती है। स्टार्च है, सुक्रोज या चीनी। यहां से पानी निकाल दो, कितने निकाल सकते हो? 5N। क्या बचेगा? 6N कार्बन बच जाएगा, तो ये भी काला हो जाता है स्टार्च। क्लियर, ओके ना। आगे लिखिए उपयोग। उपयोग लिखिए, नंबर एक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर दो लिखिए, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में। नंबर तीन लिखिए, संचायक सेलों में। संचायक सेलों में। आगे लिखिए नंबर चार, नाइट्रीकरण व सल्फोनीकरण में। नाइट्रीकरण व सल्फोनीकरण में। अम्लीय माध्यम उत्पन्न करने में। अम्लीय माध्यम उत्पन्न करने में। धन्यवाद।